नमस्कार, मैं अंजू कुमारी द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्क्रोफ्लोसो या स्टेट में टेल नंबर 7। यह जो औषधि है वो मिश्र प्रकृति के रोगियों के लिए है, यानी रक्त एवं रस ये दोनों प्रकृति के रोगियों के लिए एस 7 है। इसका क्रिया क्षेत्र H1 एवं A1 है, अर्थात जो रोग H1 एवं A1 के अंतर्गत आते हैं उसमें S7 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस औषधि का प्रभाव लसिका संस्थान यानी शलैस्मिक झिल्ली, जननांग एवं पाचन तंत्र पर होती है। इस औषधि का प्रभाव किसी भी प्रकार का दर्द एवं सूजन में भी किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार की बीमारियां आती है, जैसे एमनोरिया यानी मासिक धर्म का अवरुद्ध होना, डिस्मनोरिया यानी कष्ठरज का होना, नॉमनेस यानी हाथ पैर का शून्य हो जाना, इम्पोटेंसी यानी नामर्दी, स्पर्मनोरिया यानी बीज स्खलन आदि बीमारियों पे S7 का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक बनना चाहते हैं या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कोर्स करना चाहते हैं तो द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार पटना में संपर्क करें। नामांकन अभी आरंभ हो चुका है, हमारा नंबर स्क्रीन पे एवं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.wervara.com। इस वेबसाइट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।